यूपी बोर्ड के 12वीं की कक्षा में बेटी ने जिले में टॉप करके विद्यालय और समाज का नाम रोशन किया। वहीं मेधावी बेटी की इस सफलता को वनिता समाज ने सम्मानित करके कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। एनटीपीसी सिगरौली के वनिता समाज ने सोनभद्र की बेटी को जिले में टॉप करने पर सम्मानित किया। छात्रा सीता कुमारी ने 94.8% अंक हासिल करके यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में टॉप किया और जिले में पहला स्थान हासिल करने पर वनिता समाज ने छात्रा को सम्मानित करने के लिए सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना था। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव कुमार ने वनिता समाज को स्कूल की मेधावी छात्रा को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया और स्कूल को लगातार समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर छात्रा के माता पिता ने भी विद्यालय परिवार को बधाई दी। आज यहाँ पर प्रतिभा अलंकरण समारोह हुआ, जिसमें एनटीपीसी के वनिता समाज के द्वारा बहन सीता, जो इस वर्ष इंटरमीडिएट में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, उसका उन्होंने सम्मान किया। हम सभी उनके आभारी हैं। एनटीपीसी के द्वारा ये सम्मान तो किया गया, लेकिन इस विद्यालय के लिए पहले से भी एनटीपीसी का पर्याप्त मात्रा में सहयोग रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।